Team, stop! Let me go! Stop! Let me go! Dude! Bye! Have a great time! तो यार मेरे भाई लोग, मैं फिर से आ चुका हूँ और एक न्यू गेम प्ले वीडियो लेके वापिस। और इस वाले मैच में तुम्हारा भाई आता है ओल्ड मशीन पे और उतरते भाई मिल जाता है टपा टप गन। और भाई इस डो को जरा याद रखना, इस डो से भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा लंबा एक ट्विस्ट जुड़ा हुआ है। बस याद रखना भाई, सेम आउटफिट पहन के रहे थे ये लोग। और मतलब स्टार्टिंग का सीन मतलब कैसा लगा, मतलब भाई ये क्या था भाई, मैं घर के अंदर ही नहीं जा पा रहा था पबजी लाइट के भाई, क्या ही नशे, मतलब क्या ही बोला जाए इनको। मतलब तुम बताना भाई ये सब क्या था, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ या नहीं, या फिर भाई मेरे साथ ही ये सब गंदा स्कैम होते रहते हैं। सपोज भाई वहाँ पर भाई बंदे आ जाते ना, सीरियसली बता रहा हूँ, अगर भाई मुझे घर पे जाना होता वो बंदे भाई मुझे मार के चले जाते, लेकिन भाई कोई बंदा नहीं था इसलिए मैं वहाँ पर बच जाता हूँ। और भाई बताना यार स्टार्टिंग का सीन कैसा लगा, और आपके साथ ऐसा कभी हुआ है या फिर भाई मेरे साथ ही ऐसा होता है हमेशा। अब यहाँ पर भाई मैं उस डो को ढूंढ रहा था जिसको भाई मैंने पहले M16 से बहुत ही ज़्यादा डैमेज दिया था, लेकिन ये डो तो यहाँ से भाग चुके होते हैं, मतलब ओल्ड मशीन पे ही है शायद से, लेकिन भाई कहीं पर छुप के भाई लूट कर रहे होते हैं। तो मैं मतलब यहाँ पर थोड़ा हेलमेट वेस्ट तो मेरे पास था, एक बैग ढूंढ रहा था और एक ऑटो गन का, और सामने और एक भी डो होता है। अब यहाँ पर ये बॉट था जिसको कि भाई मैंने यहाँ पर मार दिया। मतलब भाई मुझे समझ नहीं आता कि एक बंदे के ऊपर दो दो बंदे पुश करने में क्यों डरते हैं यार, मैं तो अकेला हूँ यार, तुम दो लोग तो आके भाई मुझे निपटा सकते हो, लेकिन नहीं भाई हम तो रैंक पुश करेंगे भाई। पता नहीं भाई इनका भाई क्या सिस्टम है, एक बंदे के ऊपर भाई कभी कभी क्या होता है ना भाई, स्क्वाड भी नहीं पुश करता, मतलब क्या सीन है भाई, एक बंदे के साथ क्या डरना। अब यहाँ पर ये भालू पिक कर रहा होता है जिसको कि भाई यहाँ पर मैं नॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये देखना, एक बंदा मतलब पीछे से मुझे डैमेज देता है, लेकिन भाई देखना ये जो भालू होता है ना इतना जल्दी भाई कैसे रिवाइव हो जाता है। अब भाई इस डो को भाई जैसे मारता हूँ भाई, सामने मतलब एक बंदा पिस्तौल से भाई डैमेज कर रहा था, लेकिन भाई इनके अंदर भाई इतना डर था कि मेरे ऊपर भाई दो बंदे रह के भी पुश नहीं किए। और यहाँ पर भाई क्या होता है भाई, मतलब ये भालू इतना जल्दी रिवाइव हो जाता है, उसके ऊपर भाई इनके पास था S686, इसलिए मतलब इसको भाई मैं नॉक करके कवर में गया, क्योंकि उसका एक शॉट लग गया तो भाई मैं मर सकता था यहाँ पर। और फिलहाल छोड़ो ये सब, इस क्लच के लिए भाई एक लाइक कर देना, क्लच तो नहीं था भाई लेकिन भाई दो बंदों को भाई मार दिया, इस चीज़ के लिए एक लाइक कर देना। अब भाई मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था कि इन दोनों का भाई इतना डर भाई क्या, मतलब भाई मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता, मैं जब भी भाई 1v2 क्लच कर देता हूँ अदर जो टीम होता है भाई मेरे ऊपर डर के पुश नहीं करता, मतलब क्या सीन है यार। अब भाई मुझे इन दोनों का भाई पुश करना था, तो मैं यहाँ पर भाई टॉमी लेके भाई कदे ही चौड़ पे जा रहा था कि भाई कहीं पर बंदे मिल जाए तो भाई नॉक करूंगा भाई, पूरा ही फिनिश कर दूंगा, क्योंकि भाई दिमाग मतलब मेरा गर्म था, क्योंकि भाई ये दो बंदे भाई क्यों डर रहे थे मेरे साथ। और यहाँ पर भाई मुझे थोड़ा थोड़ा भाई फुटस्टेप आ रहा था, लेकिन भाई मुझे मतलब श्योर नहीं था कि भाई कहाँ पर था, तो मैं बार बार एक बार आध बार कवर में जा रहा हूँ, लेकिन भाई तुम्हें पता ही ना भाई कैंपर डुओ भी भाई बहुत खतरनाक होता है भाई। सोलो पे तुम कैंपिंग करो ठीक है, लेकिन अपने पार्टनर को लेकर भाई कौन ऐसे कैंप करता है। और यहाँ पर एक अचानक से नेड आ जाता है, अब इतने टाइम बाद भाई मुझे समझ आया कि भाई ये तो भाई कैंपर डो इतना टाइम बाद मेरे ऊपर भाई यूजी से शूट करे। अब इनके अंदर भाई चौड़ा जाता है कि भाई हाँ बंदे को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर दिया और रश कर देते हैं, और इन डो से भाई लंबा फाइट चलता है।
अब यहाँ पर भाई वो बंदा बहुत ही ज्यादा लिट था, तो मैंने सोचा भाई अंदर घुस के इसको मार देते हैं, लेकिन भाई ये बंदा भी एक S1897 चला जाता और मेरा HP देखो। अब मैं सोच लिया कि भाई मतलब इसका पार्टनर हो सकता है, रिवाइव हो जाए, लेकिन भाई मुझे यहाँ से मतलब भाग के हील करना पड़ेगा, और मतलब यहाँ पर मैं हील करता हूँ। फाइनली ये डो भी यहाँ पर मारा गया, और भाई मैं किसी को लोल इमोट भाई दिखाता नहीं, भाई जितना भी भाई मतलब प्रो हो नूब हो भाई किसी को नहीं लोल दिखाता, लेकिन भाई मेरा आज दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि भाई दो बंदे रह के तुम अकेले एक बंदे के ऊपर पुश करने में सोच रहे हो कि भाई जाऊँ या नहीं जाऊँ, इसलिए भाई मैंने देखा। और भाई कैंपर बंदे को मार के यही दिखाना, क्योंकि भाई ये लोग तभी सुधरेंगे, नहीं तो कैम्प करो, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई एक बंदे के ऊपर भाई घुसने में तुम लोग डरो। उसके बाद तुम्हारा भाई गाड़ी लेके सीधा आ जाता है इस वाले जगह पर, यहाँ पर से मतलब गन साउंड आ रहा था, तो मैंने सोचा भाई पीछे से आके इनको भाई मारेंगे, और ऐसे ही कुछ होता है। और यहाँ पर देखना पबजी लाइट के भाई नशे, मतलब नशे तो नहीं, ये हमेशा से ही था पबजी लाइट पे। अब यहाँ पर भाई मैं वेट कर रहा था कि ये बंदा कब स्टिल खड़ा हो, तब भाई इसको पीछे से जाके स्कैम कर दूंगा, और ऐसा ही कुछ होता है, ये बंदा बैठता है चुपचाप। और भाई लो डैमेज नहीं होता तो ये बंदे को यहाँ पर मैंने मार देता, और भाई मैंने किल फीड भी नोटिस करके रखा था कि एक बंदा AWM चला रहा था, मतलब यहाँ पर मुझे स्टिल खड़ा रहना नहीं रहना चाहिए, इधर उधर भाई हिलना चाहिए जिससे कि उसके AWM का शॉट मिस हो जाए। अब यहाँ पर मैं क्लोजिंग कर देता, अब यहाँ पर मैंने बिग यूट्यूबर गेम एक्स प्रो भाई को यहाँ पर मार दिया, मैंने यहाँ पर वीडियो बन जाएगा इनका। अरे भाई सीरियस मत लो यार, ये तो फेक बंदे होते हैं, तुम लोग तो पता है कभी कभी सीरियस भी ले लेते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर सामने AWM वाले बंदे होते हैं, तो मैं यहाँ पर गलती से भी पीक नहीं करता। उसके बाद यहाँ पर भाई एक सरकारी ड्रॉप आता है, तो मैं चेक करने जाता हूँ कि भाई यहाँ पर क्या है। यहाँ पर से मुझे मिलता है RPG, और सामने एक बंदा भी चढ़ रहा था, लेकिन भाई मेरा हिम्मत नहीं हुआ इसे मारने का, क्योंकि भाई सामने AWM चल रहा था। भाई सीरियसली बता रहा हूँ, AWM नहीं होता तो उसके पास मैं इस बंदे को लपेट लेता, लेकिन भाई क्या करूँ भाई, AWM का खौफ ही इतना है, लेकिन भाई मुझे पसंद नहीं, लेकिन इसका खौफ बहुत ही ज़्यादा है लॉन्ग रेंज में। अब भाई इस बंदे को जब मार रहा था मेरा इतना अंदर से फट रहा था, मैं बोलो मार, मुझे लग रहा था सेकंड वाला जो इसका पार्टनर है वो भाई AWM ना चला दे, लेकिन इसलिए भाई मैं डर डर के स्प्रे मार रहा था, देख ही सकते हो भाई कवर में जा जाके मार रहा था। और यहाँ पर भाई 1v1 सिचुएशन है, तो मैं सोचा भाई कतई हल्के भी नहीं लेंगे बंदे को, थोड़ा मतलब प्रो समझेंगे, लेकिन भाई मेरे साथ ऐसा होता है जब भाई मैं ज़्यादा किल कर देता हूँ भाई मतलब ओवर कॉन्फिडेंट मैं हो जाता हूँ कि भाई सामने वाले को मार देंगे ना, इसी चक्कर में मैं यहाँ पर मरता हूँ। और यहाँ पर मैं सोचता हूँ भाई नेट से इस बंदे को मारेंगे, भाई स्प्रे मारने का टाइम भी मेरा थोड़ा फट रहा था, मुझे लग रहा था भाई इसके पास AWM ना निकले, भाई क्विक शॉट मारेगा और मैं मर जाऊंगा। उसके बाद भाई मैं एक और नेट करता हूँ, लेकिन भाई इससे बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है, मतलब कुछ नहीं होता यार, मजाक कर रहा हूँ, मतलब बंदा था इधर मैं उधर फेंक रहा हूँ, भाई क्या ही मैं बोलूँ। और भाई वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता हूँ कल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके, तब तक के लिए भाई यार मॉन्टेज देख लो आगे।